हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो गाइज, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लीग का। एलएक्सबी वर्सेस पीओआर के बीच 48 मिनट बाद ये जैकपॉट मैच है गाइज। और इस मैच की फाइनल टीम मैं दूंगा लाइनअप्स के बाद अपने इस चैनल पर। बट अभी जो मैं मैचेस अभी जो कवर किए हैं प्रीवियस मैच में भी बहुत ज़बरदस्त क्लीन स्वीप लगी है, अभी आप मेरे को पता है उनके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो चलता हूँ गाइज आगे की ओर। यही मेरा चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे नाम के किसी अदर फेक चैनल में गाइज मत जुड़ जाना। तो चलता हूँ आगे। तो बात करूं अगर मैं इस मैच की, तो आपको पता है कि इसमें जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा जिसके हैं वो है पीओआर, क्योंकि आज रोनाल्डो वगैरह बहुत ज़बरदस्त फॉर्म दिखाने वाले हैं अपनी। तो बात करूं मैं गोलकीपर की, तो यहाँ से लूँगा ए मॉरिस को, क्योंकि अगर देखो पेनल्टी वगैरह अगर मिलती है पीओआर को, तो अगर ये पेनल्टी सेविंग रेशियो इसका अच्छा है बोथ प्लेयर का, तो मुझे लगता है ये अच्छा चल सकता है आज के मैच में, क्योंकि गोलकीपर हमेशा ऑपोजिट ही लेना चाहिए तगड़ी टीम के आगे। बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा नेक्स्ट प्लेयर आर डियास। रूबन डियास का इस मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलता है, जिसमें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कुछ अच्छा करने की गाइज। और आगे से बात करूँ जे कैंसेलो भी आज के मैच के अंदर, आप ये दोनों को, इनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त रहेगी। दोनों प्रीमियर लीग में भी एक टीम में खेलते हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लीग में भी एक ही लीग में। और आगे से बात करूँ जे फोंटे थोड़ा रिस्की पिक है, तो आप इसकी जगह चाहो तो एन मेंडिस को ट्राई कर सकते हो, बट मैं फोंटे को इसलिए कर रहा हूँ इसको मेंडिस से ज़्यादा एक्सपीरियंस है गाइज इंटरनेशनल प्लेइंग का। और आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, ब्रूनो फर्नांडिस आज बड़ा प्लेयर नहीं खेलेगा। और फर्स्ट में बात करूँ एलेक्स बी के, लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर की, जिसका नाम है डैनियल सिनानी इतना खास प्लेयर नहीं है, कि मेरे को पता नहीं कि इसको लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डिंग क्यों सौंप रखी है, क्योंकि एलएक्सबी को अगर जीतना है इनको तगड़े गोल्स करने पड़ेंगे ओपोनेंट टीम को, लेकिन ओपोनेंट टीम की डिफेंडिंग बहुत तगड़ी है, तो समझ लेना बराबर की टक्कर है आज। वी थिल की बात करूँ तो वी थिल एक मिडल मिडफील्डर है, अगर ये देखो ये है चांस क्रिएटर, अगर बंदा चांस क्रिएटर अच्छा होगा तो गोल होंगे, अगर चांस क्रिएटर अच्छा नहीं होगा तो गोल हो ही नहीं सकता गाइस। और आगे से बात करूँ आर न्यूवस की, रूबन न्यूवस गाइस एक टीम है प्रीमियर लीग में WOL, वो वहाँ से खेलता है गाइस ये WOL की तरफ से, तो बहुत अच्छी फॉर्म में ये भी। और बी सिल्वा की बात करूँ, बी सिल्वा गाइज इसने पिछले मैच के अंदर असिस्ट की थी और ये भी मैनचेस्टर सिटी का टॉप का प्लेयर है गाइज। और आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसके बारे में आपको पता है पिछले मैच के अंदर 90 मिनट ये प्लेयर पूरा खेला था बट गोल हुआ नहीं, तो शॉट ऑन टारगेट लगाया था बट गोल हो नहीं पाया, पिछली बार फॉर्म में भी नहीं था, मैंने देखा था बहुत ही आराम से खेल रहा था। और जे रॉड्रिग्यूज की बात करूँ, जर्सन रॉड्रिग्यूज गाइज एलएक्सबी का नॉर्मल सा प्लेयर। अगर नीचे से बात करूँ तो डी जोटा ने मतलब रोनाल्डो की कमी पूरी नहीं होने दी, दो गोल इसने कर दिए, पर रोनाल्डो आज मुझे पता है पूरी फॉर्म में रहने वाला है। और आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा रोनाल्डो गाइज एंड वाइस कैप्टन डी जोटा। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में।